नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है सी यू नंबर, मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है बी यू नंबर, दैट मींस बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम, मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब, मतलब के कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा मतलब यह टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इम्पॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएंगे तो ध्यान से इसको देखना ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाए तभी आप रिजल्ट बटन दबाने का की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी, जो भी है, जब ये ख़त्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और PST का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर, तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, दो चीज़ों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है पोल रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यान से
ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं।